Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Priyanka. So today we'll do another topic and the name of our topic is Functions of Management. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं what is management, what are the characteristics of management, the importance of management, then the levels of management. So now we'll do the functions of management. So basically there are five functions of management, okay? So the first function is planning. After that, it's organizing, then staffing, then directing, and then controlling. कैसी भी organization हो, किसी भी तरीके की organization हो, वो चाहे large scale organizations हो या फिर small scale organizations हो, ठीक है? These are some five basic functions जो हर एक management को पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है? So the first function of management is your planning. So प्लानिंग जो है वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है जो कि हर मैनेजर क्या करता है परफॉर्म करता है, ठीक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग? सो बेसिकली इट रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. सो मतलब आप क्या करते हो प्लानिंग में, पहले से ही एडवांस में आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपको वो चीज़ कब करनी है एंड आप वो चीज़ कैसे प्लान करोगे, ठीक है? किस तरीके से प्लान करोगे एंड कौन उस चीज़ को प्लान करेगा, ठीक है? हु इज़ गोइंग टू डू इट. सो बेसिकली प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप दैट वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं एंड आगे हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ठीक है? सो एवरी मैनेजर स्टार्ट्स विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड हाउ टू अकम्प्लिश दीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? हर मैनेजर सबसे पहले डिसाइड करता है एडवांस में कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं एंड उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अकम्प्लिश करना है, ठीक है? कैसे अचीव करना है. सो उसके लिए प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं दैट प्लानिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जितने भी ये फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सो ये एक बेस प्रोवाइड करता है इन सारे फंक्शंस को. जैसे कि कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हो तो बोलते हैं ना कि आपका बेस अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा आपके उस पे फ्लोर्स अच्छे से खड़े नहीं हो पाते. तो सिमिलरली ये प्लानिंग जो होता है ये बेस होता है किसी भी मैनेजमेंट का. अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आप बाकी फंक्शंस अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बट अगर आपकी प्लानिंग ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो आप अपने आगे के फंक्शंस भी अच्छे से पूरे कर पाओगे, ठीक है? आई होप आपको प्लानिंग का मतलब समझ आ गया होगा. नाउ The second function is organizing. So after setting up of plans, the next function which is performed by the managers is organizing the activities and establishing an organizational structure. ठीक है? अब आपको क्या करना होता है, अब आपका मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग के बाद वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि जो भी प्लान्स आपने बनाया अब उन प्लान्स को आप क्या कर सको, एग्जीक्यूट कर सको, राइट? आपने प्लान्स बना लिए, अब आपको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ताकि आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सको, ओके? सो सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, हाउ मेनी पोस्ट और डेजिग्नेशंस आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट. अब देखो, आपने अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है? आपने डिसाइड कर लिया कि ऐसा ऐसा आपका फ्रेमवर्क होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, इतनी यूनिट्स होंगी, इतनी सब यूनिट्स होंगी, इतने डिपार्टमेंट्स चाहिए आप लोगों को एंड इतनी पोस्ट चाहिए, इतनी डेजिग्नेशंस चाहिए. ये सारी चीज़ें आप पहले से क्या कर लोगे, डिसाइड कर लोगे. आप मतलब यहाँ पे मैं मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है? देन आप ये देखोगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि उनको कितनी अथॉरिटी देनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है एंड कौन कौन से लोगों को वो अथॉरिटी आपको देनी है, कौन कौन से लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी है, ठीक है? अब देखो, जब आपने ये सारे के सारे डिसीजन ले लिए, ठीक है, तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब भी समझ आ गया होगा. द थर्ड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज स्टाफिंग. सो इट बेसिकली रेफर्स टू रिक्रूटिंग, selecting and appointing of the employees, ठीक है? recruit करना, select करना and appoint करना employees को
एंड देन उन एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज असाइन करना. ये सारा काम किसके अंदर होता है? ये सारा काम भी स्टाफिंग के अंदर होता है. इसके अलावा उनके प्रमोशंस को देखना, उनके इंक्रीमेंट्स को देखना, उनके रेम्यूनरेशन के बारे में देखना, ये सारा काम भी स्टाफिंग के अंदर आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एम्प्लॉयज़ को कोई ग्रेवियंसेज हैं, उनके रिलेशनशिप अच्छे करने एक दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, वो सारा काम भी स्टाफिंग के अंदर ही होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ये सारा काम भी स्टाफिंग के अंदर ही होता है. ठीक है, आई होप स्टाफिंग का मतलब भी समझ आ गया होगा. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्टिंग. नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट करना. ठीक है, सो समझ लेते हैं इसका मतलब भी. सो वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड, देर इज अ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम, राइट? सो अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को अब अपॉइंट कर लिया, तो ऐसा तो नहीं ना कि आप छोड़ दोगे. अब आप उनको टाइम टू टाइम क्या करोगे? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे, ताकि वो काम को क्या कर सके? अच्छे से कर सके. डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम. अब देखो, मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ कि सुनो, कल ये होमवर्क करके ले आना. क्या आप करके लाओगे? नहीं. बट वहीं अगर मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से बोलूंगी कि बेटा, कल ये होमवर्क करके ले आना, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अगर आप नहीं करके लाओगे, तो हमें फिर से ये टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा. तो मेरे बोलने में फ़र्क है, राइट? सो वैसे ही एक अच्छे तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये भी मैनेजमेंट का काम होता है. एंड ये सारा काम कौन से फंक्शन के अंदर होता है? ये सारा काम होता है डायरेक्टिंग के अंदर. ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे, तभी वो ढंग से काम करेंगे. सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेटिंग विद देम, ये सारा का सारा काम कहाँ आता है? ये सारा का सारा काम आता है डायरेक्टिंग के अंदर. Managers act as a leader and guide them to the right direction. So, directing functions include supervising, motivating, communicating and leadership. So, basically यहाँ पे क्या होता है? Managers एक leader की तरह काम करते हैं, उनको guide करते हैं ताकि वो एक right direction में चलें. So, directing functions include supervising, motivating, communicating and leadership. ठीक है, आई होप आपको डायरेक्टिंग का मतलब भी समझ आ गया होगा. सो द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग. सो इन दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ, देन द मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डेविएशन. अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक मैनेजर क्या करता है कंट्रोलिंग में, वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है. एंड अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर आप अपने टारगेट्स को नहीं अचीव कर पाए, तो मैनेजर फाइंड आउट करता है दैट व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिविएशन, एंड देन उस रीज़न पे वो काम करते हैं. ठीक है, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओ. ठीक है, आई होप आपको कंट्रोलिंग का मतलब भी समझ आ गया होगा. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड समझ आई है, तो डू लाइक इट. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन. तब तक के लिए बाय बाय.